हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.7 क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। बोला गया सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन दे रखी है, इन्हें हमें सॉल्व करना है और एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। तो ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है, ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, हमें यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड का। तो एलिमिनेशन मेथड के अकॉर्डिंगली या तो एक्स वाले टर्म को इक्वल करना होता है या वाई वाले टर्म को इक्वल करना होता है। दोनों में से किसी को भी आप इक्वल कर सकते हो। तो इसमें देखो, एक्स वाले टर्म को अगर इक्वल करना है, इसमें कितना है क्यू एक्स, इसमें कितना है पी एक्स, दोनों एक जैसे नहीं है, दोनों को एक जैसा बनाना पड़ेगा। इसमें क्यू नहीं है, इसमें पी नहीं है, तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय क्यू बोथ साइड, और इसे कर देंगे मल्टीप्लाई बाय पी बोथ साइड। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा, इनकी फर्स्ट टर्म जो होगी वो इक्वल हो जाएगी। अगर मैं इसको क्यू से गुणा कर दूँ, कितना आया पी क्यू एक्स, इससे गुणा किया क्यू स्क्वायर वाई, क्यू किससे गुणा किया पी क्यू, क्यू किससे गुणा किया क्यू स्क्वायर, पी को इससे गुणा किया पी क्यू एक्स, पी को इससे गुणा किया पी स्क्वायर वाई, पी को पी से किया पी स्क्वायर, पी को क्यू से किया पी क्यू। दोनों इक्वेशन आ गई, दोनों को रखते हैं एक साथ, पी क्यू एक्स क्यू स्क्वायर वाई, पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर, इसको रखते हैं पी क्यू एक्स माइनस पी स्क्वायर वाई, पी स्क्वायर प्लस पी क्यू। देखो दोनों प्लस की है, दोनों एलिमिनेट नहीं हो रही है, तो हमें साइन चेंज करने पड़ेंगे। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, एलिमिनेट। हाँ, अब ये एक प्लस की होगी, एक माइनस की, अब एलिमिनेट हो जाएंगे। तो यहाँ कितना बचा क्यू स्क्वायर वाई प्लस पी स्क्वायर वाई, यहाँ पर पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, अभी प्लस का नहीं रखा, इसको आगे माइनस का पी क्यू। अब देखो ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो गया, दोनों में से वाई कॉमन आ रहा है, कितना बचा क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर, इसमें माइनस, इसमें माइनस, माइनस कॉमन लिया, कितना बचा क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर, दोनों सेम सेम है बिल्कुल, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, इससे बेटर पहले काट दो। तो वाई बराबर माइनस, अब यहाँ भी ये मतलब ना जीरो बचा, साथ में कुछ भी नहीं होता तो वन होता है, तो वाई की वैल्यू मेरी कितनी आ गई वन, पुट इन वन या टू, पुट कर दिया मैंने वन के अंदर, पी एक्स क्यू वाई पी माइनस क्यू, वाई की जगह मैंने वन रखा, वन से मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये प्लस का था, किसका हो गया माइनस का पी एक्स, सॉरी क्यू, वाई की वैल्यू माइनस वन है ना, तो ये माइनस, ठीक है, तो ये माइनस का इधर एक्स को आ जाएगा प्लस का, माइनस का प्लस का कैंसिल हो गया, बचा कितना पी, पी से पी कैंसिल हो गया, अब साथ में कुछ भी नहीं तो वन माना जाएगा। एक्स की वैल्यू मेरी कितनी आ गई वन आ गई, ठीक है, एक्स बराबर वन और वाई बराबर माइनस का वन। इसी के साथ मेरा इसका फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब डिस्कस करेंगे इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट को पहले मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है। बोला गया है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, दूसरा बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू वन प्लस सी, ठीक है। इस इक्वेशन नंबर वन मान ली, इस इक्वेशन नंबर टू मान ली। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करेंगे सब्सिट्यूशन मेथड का, जिसमें से एक इक्वेशन में से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करेंगे, ठीक है। चाहो तो आप एलिमिनेशन का भी यूज़ कर सकते हो, उसमें या तो एक्स को इक्वल करना होगा या वाई को इक्वल करना होगा, दोनों में से किसी एक को। तो यहाँ पे हम सब्सिट्यूशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं या तो एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ या वाई की वैल्यू, दोनों में से कोई एक वैल्यू निकाल लो। तो मैं एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ, प्लस का बी वाई उधर एक्स को आ जाएगा, माइनस का और ये मल्टीप्लाई में है, इसमें आ जाएगा डिवाइड में, इसे थ्री मान लेता हूँ, ठीक है। थ्री पुट इन टू, थ्री को पुट कर दिया टू में, बी एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी निकली सी माइनस बी वाई अपॉन में ए, ए वाई इज इक्वल टू वन प्लस सी, बी को अंदर गुणा किया कितना है बी सी, बी को अंदर गुणा किया कितना है बी स्क्वायर वाई अपॉन में ए प्लस ए वाई
वन प्लस में सी बी सी बी स्क्वेयर वाई, इसके नीचे कुछ नहीं डायरेक्टली गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा ए स्क्वेयर वाई अपॉन में ए वन प्लस में सी। इतना होने के बाद कितना हुआ बी सी माइनस बी स्क्वेयर वाई प्लस ए स्क्वेयर वाई, नीचे है ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा वन प्लस में सी। ठीक है, आने के बाद ये जो प्लस का बी सी है इसे हम ट्रांसपोज करके उधर ले जाएंगे, क्यों ले जाएंगे क्योंकि ये विदाउट वेरिएबल है, इसमें वाई नहीं आ रहा, तो बी सी वाले टर्म को हम इधर ले आएंगे। पहले ए को वन से गुणा किया ए, ए को सी से गुणा किया कितना आया ए सी। ठीक है, और प्लस का बी सी इधर एक्स का हो गया माइनस का। ठीक है, यहाँ कितना बचा बी स्क्वेयर वाई प्लस ए स्क्वेयर वाई, दोनों में क्या कॉमन आ रहा वाई कॉमन आ रहा, वाई कॉमन ले लिया। यहाँ कितना बचा ए स्क्वेयर, इसको मैंने आगे कर दिया इसे मैंने पीछे कर दिया, उसे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, इतना करने के बाद अब देखो जरा ये मेरा ए प्लस ए सी माइनस बी सी है, ए का ए दोनों में सी है, सी कॉमन ले लिया मैंने, कितना बचा ए माइनस का बी। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है, किस में आ जाएगा डिवाइड में, ए माइनस का बी कितना हुआ ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, यानी तो मेरी वाई की वैल्यू कितनी हुई ए प्लस सी ए माइनस बी अपॉन में ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। चाहो तो इसके आगे एक स्टेप और हो सकता है लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, बस वो ये है कि दोनों को एक बार प्लस में पर माइनस में खोल के स्प्लिट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तक भी हमारा चल जाएगा। ठीक है, इसे हम पुट करेंगे पुट इन थ्री, थ्री में पुट करेंगे तो मेरी जो x की वैल्यू है वो कितनी थी c माइनस बी वाई अपॉन ए है। ठीक है, x बराबर सी बी, y की जगह पे मैं क्या लिखूँगा a प्लस सी। ठीक है, a माइनस बी अपॉन ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और इस पूरे के नीचे कौन चल रहा है a चल रहा है। तो देखो जरा a के नीचे कुछ नहीं बनवा लेंगे, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल। ठीक है, रेसिप्रोकल करने से पहले देखो इसके नीचे कुछ भी नहीं है, डायरेक्टली गुणा कर देंगे सी को गुणा कर देंगे ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ताकि दोनों का बेस इक्वल हो जाए। ठीक है, बाहर कौन है बी, अंदर वाले टर्म को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए को सी से वापस अंदर गुणा कर दिया कितना ए सी माइनस बी सी, नीचे कौन हो गया ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और जो नीचे मेरा ए बाई वन था वो कितना हो जाएगा वन बाई ए हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ कौन चल रहा है मेरा एक्स, सी को अंदर गुणा करा कितना आया ए स्क्वेयर सी माइनस बी स्क्वेयर सी, बी को अंदर गुणा किया माइनस का ए बी, अंदर जैसे जैसे मल्टीप्लाई करता रहूँगा साइन चेंज होंगे, क्योंकि माइनस का था ये प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का था तो माइनस का, बी को इससे गुणा किया कितना आया ए बी सी, बी को गुणा किया इसके साथ माइनस इंटू माइनस प्लस बी स्क्वेयर सी, और नीचे कौन चल रहा है ए ब्रैकेट ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है, एक्स अब जरा देखो कोई किसी से कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये माइनस का था ये प्लस का था कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ए इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है, एक कॉमन निकाला कितना बचा ए सी, यहाँ माइनस का बी, यहाँ कितना बचा बी सी, नीचे कौन है ए ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए सी कैंसिल हुआ। अब इनके अंदर देखो जरा इनमें से ए सी माइनस बी सी इनको एक साथ कर दिया, माइनस बी को मैंने पीछे कर दिया, नीचे कौन बचा हुआ है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है, एक्स बराबर इन दोनों में सी कॉमन आ रहा है, सी कॉमन निकाले हैं कितना बचा ए माइनस का बी, फिर यहाँ कौन बचा माइनस का बी, यहाँ ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो मेरा आंसर कितना है सी ब्रैकेट ए माइनस बी अपॉन में ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है, तो ये मेरी वाई की वैल्यू होगी और ये मेरी एक्स की वैल्यू होगी, और इसी के साथ मेरा इसका सेकंड पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके बाय बाय, थैंक यू।